हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे नो पिक्चर पैनल को किस तरीके से रिपेयर किया जाता है। तो वैसे बेसिकली हमारे पास जो काम आता है सारा टेक्नीशियन से काम आता है। अभी क्या है, मेरे पास जो पैनल आया है तो टेक्नीशियन ने काफ़ी इसके ऊपर काम किया है, लेकिन अभी इसके अंदर पिक्चर नहीं बनी है। तो अभी हम इसको अपने हिसाब से चेक करेंगे किस तरीके से हम इसको रिपेयर कर सकते हैं, या फिर क्या पॉसिबिलिटी इसके अंदर बनती है कि रिपेयर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो इस वीडियो के अंदर हम सारी चीज़ें देखते हैं। तो जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो पैनल है ये सैमसंग कंपनी का पैनल है, और इसके अंदर अगर आप यहाँ पे कुछ ट्रैक देखेंगे तो काफ़ी सारे ट्रैकों को कट करके दोबारा से जो है इसको बनाया गया है। यहाँ पे भी आप ये देख सकते हैं, लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ से ये कटिंग करके इसको काफ़ी काम किया गया है, लेकिन अभी तक इसके अंदर पिक्चर जो है प्रॉपर तरीके से बनी नहीं है। तो दोस्तों, अगर इस तरीके की दिक्कत आती है तो सबसे पहले हमारे को क्या होता है, इसके अंदर जनरल टेस्टिंग जरूर करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि सभी सैमसंग के पैनल के अंदर क्या होता है कि इस ट्रैक कट करने से ही प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम है हमारे को देखने को मिलती है। तो अभी हम इसके अंदर देखते हैं किस तरीके की प्रॉब्लम हमारे को देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर पावर देते हैं, और पावर देने के बाद अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर हमारी जो सप्लाई है, मल्टीमीटर को ऑन करते हैं डीसी वोल्ट की रेंज पे सेट करते हैं, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर जो है 12 वोल्ट की सप्लाई है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। और ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है सीधी हमारी डीसी टू डीसीआईसी में जाती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं डीसी टू डीसीआईसी यहाँ पर लगी हुई है। और इसके अंदर क्या होता है, सभी वोल्टेज बनती है, जैसे 3.3 वोल्ट की सप्लाई बनती है, और जो है हमारी 1.8 वोल्ट की सप्लाई बनती है, 1.2 वोल्ट की सप्लाई बनती है। तो ये सारी सप्लाई है हमारी जो बनती है ये हमारी डीसी टू डीसीआईसी से बनती है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे अभी हमारी कोई भी वोल्टेज अभी इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कोई भी वोल्टेज इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी इस तरीके के सेट आते हैं तो आपको क्या है, इसको जनरल टेस्टिंग ज़रूर करनी है। जनरल टेस्टिंग करने के बाद ही हमारे को ये सारी चीज़ें कन्फर्म हो पाती है कि ये हमारा जो पैनल है प्रॉपर तरीके से चलेगा या नहीं चलेगा। तो अभी क्या है कि इसको हमारे को स्टेप बाय स्टेप चेक करना है। तो स्टेप बाय स्टेप चेक करने के लिए सबसे पहले हमारे को इसकी 3.3 वोल्ट की सप्लाई चेक करनी होती है, जो कि अभी इसके अंदर नहीं बन रही है। तो जब तक 3.3 वोल्ट की सप्लाई नहीं बनेगी, तब तक आप यहाँ पे देख सकते हैं AVDD वोल्टेज भी हमारा नहीं बनेगा। यहाँ पर AVDD पॉइंट है, और यहाँ पर देखेंगे तो हमारा वी ऑफ पॉइंट है, यानी कि VGL पॉइंट है, और ये वी ऑन पॉइंट है, ये हमारा VGH पॉइंट है। तो यहाँ पर हमारी कोई भी वोल्टेज देखने को नहीं मिल रही है। तो इस तरीके की दिक्कत रहती है, तो सबसे पहले हमारे को क्या चीज़ चेक करनी है यहाँ पे, यानी कि डीसी टू डीसी सर्किट के अंदर हमारे को शॉर्टिंग चेक करनी होती है कि किसी सर्किट के अंदर शॉर्टिंग वगैरह तो नहीं है। कई बार शॉर्टिंग की वजह से क्या होता है कि हमारी सारी वोल्टेज जो होती है वो ड्रॉप हो जाती है। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी जो प्राइमरी वोल्टेज होती है, प्राइमरी वोल्टेज जब ड्रॉप होती है तो हमारे PCB के अंदर ही दिक्कत रहती है, ग्लास के अंदर दिक्कत नहीं रहती है, तो उसको कट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अभी क्या है कि अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे को स्टेप बाय स्टेप हमारे को चेक करना पड़ेगा। मल्टीमीटर को हम कंटिन्यूटी पॉइंट पर लगा लेते हैं, और यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं तो हमारे को सारे PF देख सकते हैं, यहाँ पे ये बिल्कुल हमारे को ओके बता रहे हैं, यानी कि यहाँ पे सारे PF इसके ओके हैं। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं एक PF जो है इसका हमारे को कंटिन्यूटी दे रहा है। यहाँ पर आप ये देखेंगे तो PF हमारे को कंटिन्यूटी दे रहा है। तो PF का कंटिन्यूटी देने का मतलब ये होता है कि PF हमारा शॉर्ट कंडीशन में हो सकता है। तो सबसे पहले हम इस PF को रिमूव करके चेक करते हैं, और PF को रिमूव करने के बाद हमारे को एक कन्फर्मेशन होगी कि PF में ही शॉर्टिंग है या फिर शॉर्टिंग हमारे PCB में है। क्योंकि PCB में शॉर्टिंग होने की वजह से ही हमारा 3.3 वोल्ट की सप्लाई है जो कि ड्रॉप होती है। तो अभी मैं इस PF को रिमूव करता हूँ, और उसके बाद हम इसको चेक करेंगे कि क्या कंडीशन में हमारा पैनल है। तो इसको हम प्रॉपर तरीके से निकाल लेते हैं, ठंडी का टेम्परेचर थोड़ा सा हम बढ़ाते हैं और उसके बाद हम इसको निकालते हैं। थोड़ा सा कम टाइम में हमारा ये जल्दी निकल जाएगा। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे ये मैंने PF को रिमूव कर दिया है, और PF को रिमूव करने के बाद अगर हम चेक करते हैं क्या कंडीशन बनती है, तो यहाँ पे आप ये देखेंगे अभी भी इसके अंदर शॉर्टिंग बन रही है। तो इसका मतलब क्या है कि अभी भी PCB के अंदर शॉर्टिंग है। तो
तो अगर पीसीबी में अभी भी शॉर्टिंग है तो और भी देखते हैं, और भी कंपोनेंट्स इसके अंदर अगर बीप दे रहे हैं तो उन्हें भी हम बाहर करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद चेक करते हैं। यहाँ पे अभी भी यानी कि हमारा जो पीएफ है यानी कि सिर्फ एक ही पॉइंट इसके अंदर शॉर्टिंग दिखा रहा है, और कोई भी पॉइंट इसके अंदर शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है। तो आगे अगर हम देखते हैं कुछ यहाँ पे डायोड भी लगे हुए हैं, इन डायोड को हम रिमूव करके चेक करते हैं। तो ये मैंने डायोड को एक एक करके रिमूव करा है और दोबारा से चेक करते हैं क्या कंडीशन हमारी बनती है। तो यानी कि अभी भी देख सकते हैं हमारा जो यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूटी दिखा रहा है। यानी कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ पीएफ है जो कि हमारे को जगह जगह कंटिन्यूटी दिखा रहे हैं। तो इसकी जो लाइन होती है यानी कि जो इसकी विन वाली लाइन है, यहाँ पे आप ही देख सकते हैं यहाँ पे विन लिखा हुआ है, और ये विन लाइन जो है हमारी सीधी 12 वोल्ट की सप्लाई से यहाँ पे विन इनपुट हो रही है। ये हमारा वोल्टेज इनपुट है। अगर हम इसको दोबारा से सप्लाई लगा के चेक करते हैं तो देखते हैं यहाँ पे कोई सप्लाई वगैरह बनती है या फिर क्या कंडीशन रहती है, या फिर हमारी वोल्टेज जो है वो ड्रॉप हो जाती है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं वोल्टेज तो यहाँ पे बन रही है, लेकिन सर्किट हमारे को शॉर्टिंग कंडीशन दिखा रहा है। यानी कि सर्किट में अभी देखिए वोल्टेज बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है। कई बार क्या होता है कि हमारे कैपेसिटर चार्ज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे को इस तरीके की कंडीशन हमारे को देखने को मिलती है। और यानी कि शॉर्टिंग नहीं होती है, लेकिन फिर भी हमारे को शॉर्टिंग दिखाता है, जिस वजह से क्या होता है हमारे कैपेसिटर चार्ज होने की वजह से भी हमारे को अलग अलग तरीके की कंटिन्यूटी अभी हमारे को दिखाता है। अगर ये अभी मेरा शॉर्ट होता तो ये 12 वोल्ट भी मेरी ड्रॉप हो जाती, लेकिन अभी ये जो ट्रैक है बिल्कुल परफेक्ट है, तो हम इसको अभी नहीं छेड़ेंगे। यहाँ पे जो पीएफ है इसको हम दोबारा से यहाँ पे लगा देंगे, क्योंकि जब रिपेयरिंग करते टाइम हमारे को ये सारी कंडीशनें देखने को मिलती है। यानी कि ये सारी कंडीशन आपको कोई भी यूट्यूब पर नहीं दिखाता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। तो इसको क्या है, मैं पीएफ को दोबारा से लगा रहा हूँ, यानी कि पीएफ शॉर्ट नहीं है, ना ही उसका कोई ट्रैक शॉर्ट है। तो इसको हम दोबारा से यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं। फिक्स करने के बाद क्या है, हमारे को इसके जो हमने डायोड को रिमूव करा है तो डायोड के हम चेक करेंगे। जो हमारे VGS के डायोड हैं, तो इस पैनल के अंदर ज़्यादातर VGS के डायोड मैंने शॉर्ट देखे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अभी मैं इस डायोड को चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे डायोड बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ओके है, 252 ओम्स की ये रीडिंग हमारे को शो कर रहा है डायोड मोड की रेंज पे। एक साइड वैल्यू, एक साइड कुछ भी शो नहीं कर रहा है, यानी कि हमारा डायोड बिल्कुल परफेक्ट है। और दूसरा डायोड अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये डायोड अभी मेरे को कुछ भी नहीं शो कर रहा है। और दूसरी साइड अगर मैं लगाता हूँ तो यहाँ पे आप ये देखेंगे दोनों साइड मेरे को डायोड कुछ भी शो नहीं कर रहा है। यानी कि ये डायोड क्या है, ओपन कंडीशन में है, जिसकी वजह से क्या है कि ये हमारे को कुछ भी शो नहीं कर रहा है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये कुछ भी शो नहीं कर रहा है। यानी कि क्या है दोस्तों, ये डायोड ओपन होने की वजह से ये दिक्कत कर सकता है। तो हम क्या काम करेंगे, इसको यहाँ पे आप ये देखेंगे, ये देख सकते हैं, ये देखिए ये कभी हमारे को वैल्यू शो करता है, कभी नहीं करता है। तो कुछ इस तरीके की दिक्कत इसके अंदर देखने को मिल रही है, कभी वैल्यू शो करता है, कभी कंटिन्यूटी दिखाता है। तो यानी कि टोटल मिला के इस डायोड के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत है। तो इस डायोड को दोस्तों हम सबसे पहले रिप्लेस करके चेक करेंगे। तो यहाँ पर इस डायोड को रिप्लेस करने के लिए क्या है कि ये डायोड तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसकी जगह मैं क्या है दूसरा डायोड 3 पिन का डायोड का यूज़ करूँगा। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं दूसरी पीसीबी से मैं 3 पिन का डायोड है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं मैंने इसका एक यहाँ पे सर्किट भी बना रखा है,
तो कुछ इस तरीके का डायोड होता है, और जो हमारे ये दो डायोड लगे हुए हैं कुछ इस कंडीशन में लगे हुए हैं, इस डायरेक्शन में लगे हुए हैं, यानी कि एक डायोड का एनोड और एक का कैथोड दोनों का जुड़ा हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे ये आईसी हमारी स्विचिंग कर रही है। और ये डायोड अभी मेरा कुछ भी शो नहीं कर रहा है, यानी कि कभी ये ओके दिखा रहा है, कभी कंटिन्यूटी दिखा रहा है, यानी कि प्रॉपर वैल्यू हमारे को, प्रॉपर कंडीशन हमारे को ओके की या फॉल्टी की नहीं दिखा रहा है। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको चेंज करके देखना पड़ेगा। तो इसको मैं चेंज करता हूँ, और तो यहाँ पे क्या है, मेरे पास डायोड है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं एक डायोड यहाँ पे लगा हुआ है। तो इस डायोड को मैं यहाँ से रिमूव करूँगा, और इसकी जगह ये वाला डायोड मैं, यानी कि दोनों की जगह एक ही डायोड को लगा के चेक करेंगे कि क्या कंडीशन हमारे पैनल के अंदर बनती है। तो यहाँ पे मैंने डायोड को निकाला, और इसको मैं सेम डायरेक्शन में लगाऊंगा। तो ये सेम डायरेक्शन में मैंने इस डायोड को लगा दिया है। तो डायोड की जो डायरेक्शन है वो मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं डायोड की जो डायरेक्शन है वो कैसी लगी हुई है। तो इस तरीके से हमने डायोड को लगाया है, थोड़ा सा एक पिन इसकी मिस मैच हो रही है, इसको हम थोड़ा सा मैच करेंगे और थोड़ा सा साइड करके। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये डायोड मैंने बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लगा दिया है। अब इस पर क्या है, मैं थोड़ी सी सोल्डिंग कर देता हूँ। तो डायोड पे क्या है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा सोल्डर लगा देता हूँ। क्योंकि जब भी हम काम करते हैं, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम करते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें देखते हुए काम करनी होगी। तो मैंने यहाँ पे डायोड को, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सोल्डिंग करी है डायोड पे। और अभी हम सप्लाई देके चेक करते हैं क्या कंडीशन हमारी बनती है। पावर लगा के देखते हैं। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं पिक्चर हमारी बन गई है, और डायोड हमारा देख सकते हैं यहाँ पे 14 वोल्ट है, और यहाँ पे आप ये देखेंगे तो ये मेरा 17 वोल्ट की 27 वोल्ट की सप्लाई जो है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन गई है। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे तो पिक्चर भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है। इसको हम अच्छी तरीके से चेक करते हैं दोबारा से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पिक्चर बन गई है। तो इस तरीके से हम किसी भी पैनल को इजीली तरीके से रिपेयर कर सकते हैं, अगर पैनल की, अगर आपके पास परफेक्ट तरीके की नॉलेज रहती है। अगर आपको पैनल को रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।